खैर, अब हम लोग बात करने वाले हैं उनके ऐसे वीडियोज के बारे में जो उन्होंने काफी ज्यादा बेकार की बनाई है, कोई लॉजिक नहीं है उसके अंदर, इसीलिए आज ये वीडियो बनाने की नौबत आई। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए कमाल की वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस मेंटल पागल जोन को तो जानते हो, जो कि जब देखो हमेशा अपनी वीडियो के अंदर या तो किसी भी बड़े यूट्यूबर के बारे में बिना फालतू की कमी निकाल के दिखा देती है, या फिर अपनी वीडियो पर थोड़े से व्यूज पाने के लिए किसी भी यूट्यूबर को अपनी वीडियो के अंदर ये पागल जोन जिंदा ही जान से मार देती है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पागल जोन नहीं बल्कि हम बात करने वाले हैं पागल जोन के लाइट वर्जन एंड क्रेजी एक्स वाई जेड एंड प्रगति वर्मा की जानी दुश्मन, जिसके चैनल का नाम है रोस्टर की अम्मा। और दोस्तों, जब देखो पागल जोन के लाइट वर्जन पागल जोन जैसे ही अपने चैनल पर बिना फालतू की बकवास वीडियो बनाकर लोगों का बेवकूफ बनाती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे भी रोस्टर की अम्मा की फालतू बन की बकवास वीडियो देखो। मतलब यार, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की रिएक्शन वीडियो बनाती है या फिर रोस्ट वीडियो। आप सभी लोग इसकी वीडियो के थंबनेल को देखो। मतलब यार, इसकी किसी भी वीडियो का कोई भी ऐसा थंबनेल नहीं है जो कि विदाउट क्लिक बेट हो। सही बता रहा हूँ, इसकी वीडियो के जैसे इसकी वीडियो के थंबनेल भी बकवास होते हैं। तो दोस्तों, सही बता रहा हूँ, अपनी वीडियो के अंदर बिना फालतू की बकवास करके एंड अपनी वीडियो पर गलत थंबनेल लगाकर किस तरीके से फालतू बन के अपनी वीडियो पर व्यूज छापने को पागल जोन के लाइट वर्जन से सीखे। अच्छा, और दोस्तों ये सब तो कुछ भी नहीं है। आप सभी को बता दो कि पागल जोन के टट्टी वर्जन हाथ धो के अगर किसी एक यूट्यूबर के पीछे पड़ जाता है ना, तो उस यूट्यूबर से रिलेटेड अपने चैनल पर न जाने कितनी सारी फालतू बन के बकवास वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये देखो, मतलब यार, इस पागल जोन के टट्टी वर्जन ने क्रेजी एक्स वाई जेड एंड प्रगति वर्मा से रिलेटेड अपने चैनल पर कितनी सारी फालतू बन के बकवास वीडियो बनाकर अपलोड करी हुई है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बोल दिया, तो आओ गाइस, आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आइए देख लेते हैं कि आखिरकार रोस्टर की अम्मा ने अपनी वीडियो के अंदर क्या पागलपंती करी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रगति वर्मा के बारे में। आप तो उनकी वीडियो काफी अच्छे तरीके से देखते ही होंगे और काफी ज्यादा पसंद भी करते होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अरे हाँ पागल दीदी, लोग प्रगति वर्मा की वीडियो को देखते हैं, इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा तो तुम जैसे लोग उठा रहे हैं। क्योंकि पागल दीदी, तुम्हारे जैसे पागलों को अच्छी तरीके से पता है कि प्रगति वर्मा के बहुत सारे फैंस हैं, और अगर तुम प्रगति वर्मा से रिलेटेड कुछ भी फालतू बन के बकवास वीडियो बनाते हो एंड अपनी वीडियो पर उल्टा सीधा थंबनेल लगाते हो, इन सब चीजों को देखकर तो प्रगति वर्मा के फैंस तुम्हारी वीडियो पर क्लिक जरूर करेंगे, भले तुम्हारी वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस तुम्हारी वीडियो के कमेंट में बहुत बुरी क्यों ना बक दे। लेकिन वही बात है ना गाइस, इन पागलों को तो गालियों से, लाइक से, अपने ऑडियंस से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो बस अपनी वीडियो पर फालतू फंड के व्यूज चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो खैर, अब हम लोग बात करने वाले हैं उनके ऐसे वीडियोज के बारे में जो उन्होंने काफी ज्यादा बेकार की बनाई है। अरे तो दीदी, प्रगति वर्मा की वीडियो को बेकार बताते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी? मतलब दीदी, तुम तो उस यूट्यूबर की वीडियो को बेकार बता रहे हो जिसके नाम से तुम्हारा चैनल अभी तक टिका हुआ है। और वैसे भी दीदी, तुम होती कौन है दूसरी की वीडियो को बेकार बताने वाली? दूसरे के बारे में बोलना छोड़ो, पहले तुम खुद की गिरवान में जाको कि आखिरकार तुमने अपने चैनल पर किस तरीके से फालतू फंड की बकवास वीडियो बना रखी है, तब दूसरों के बारे में बोलना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है उसके अंदर। तो दोस्तों, देख रहे हो आप सभी इस पागल जोन के लाइट वर्जन को। मतलब यार, जिसकी खुद की वीडियो के अंदर लॉजिक का नामो निशान तक नहीं होता, वो लड़की जो है दूसरों की वीडियो के अंदर लॉजिक ढूंढ रही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पहले तो उनकी ये वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। अरे हाँ गाइस, मैं भी तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपसे भी पागल जोन की लाइट वर्जन की वीडियो को देखो, फिर इसके बाद मैं इसकी पोल खोलता हूँ। क्या है भैंस को भी कहते हैं बबलो, और आज मैं यूज करने वाली हूं सेंसर ओनली येलो। जैसे कि आपने उनकी वाली क्लिप देखी, आपको तो दिख गया होगा कि ये लोग पीले रंग की सब कुछ आज यूज करने वाले, पहनने वाले, खाने वाले, सब कुछ, ठीक है। अरे हाँ पागल जिनके लाइट वर्जन, हमें तेरी बातों से ज्यादा अपनी आंखों पर विश्वास है, और हम प्रगति वर्मा की वीडियो को देख सकते हैं कि आखिरकार उनकी वीडियो के अंदर क्या चल रहा है। सही बताऊं पागल जिनके लाइट वर्जन, अगर तू ये सब चीजें नहीं भी बताती ना, हमें तब भी पता चल जाता। क्योंकि आप इनके वीडियो में एक चीज नोटिस करोगे, इनकी हर चीज 2000 ईयर लेटर हो जाती है, यानी 2000 साल बाद। अरे भैया, एक दिन बाद तो इंसान का ठिकाना नहीं था, 2000 साल बाद तो कंकाल भी नहीं बचेगा हमारा। अरे तो पागल जोन के लाइट वर्जन, तुझे खुद भी समझ में आ रहा है कि आखिरकार तू अपनी वीडियो के अंदर क्या बोले जा रही है? और रही बात 2000 ईयर लेटर की, तो इस चीज को जो है प्रगति वर्मा ने अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया है। अच्छा, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो खैर कोई नहीं, ये तो एक कॉमेडी हो गई। और अब दोस्तों, आप सभी लोग ये देख लो, मतलब यार, इस लड़की को अच्छी तरीके से पता है कि प्रगति वर्मा अपनी वीडियो के अंदर ये सिर्फ कॉमेडी के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये रोस्टर की अम्मा इतनी बड़ी हिपोक्रेट है कि सबको जानते हुए भी अपनी वीडियो के अंदर ऐसे बिना फालतू के बकवास करके लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है। शर्म करो, भगवान से डरो। आगे इनकी ये वाली क्लिप देखिए। इनकी बहन ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, माने येलो पहना है क्योंकि येलो कंपटीशन है, तो ठीक है येलो पहन रखा बहुत अच्छी बात है, प्रगति जी ने येलो पहन रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी बहन ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चीटिंग है इस पूरे गेम के अंदर।
अरे तो गाइस कोई सकल की अंधी को जाके समझाओ कि ये जो येलो कलर का चैलेंज हो रहा है वो प्रगति वर्मा कर रही है, ना कि उनकी फैमिली। और पागल जोन की लाइट वर्जन भले ही उनकी बहनों को येलो कपड़ा नहीं पहने हुआ है, लेकिन प्रगति वर्मा ने तो येलो कपड़ा पहने हुआ है ना। बात तो सही है। आपको देखकर क्या लगता है, क्या ये अच्छा था यानी इस तरीके से खाना? मुझे जहां तक लगता है इनके चैनल पर जितने भी ऑडियंस है वो करीब करीब बच्चे हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, आप उनके ये थंबनेल देख लें सारे के सारे। आपने उनके थंबनेल देखे वीडियो के, जैसे कि आपको पता होगा कि इस तरह के थंबनेल पे बच्चे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं खुद किस तरीके की वीडियो बनाती है ये, तो बच्चे देखते हैं। अगर बच्चे इस तरह के वीडियो देखेंगे तो क्या सीखेंगे? अरे वाह भाई साहब, पागल जोन के स्लाइट वर्जन ने क्या बात बोली है गाइस, सही बता रहा हूँ। स्किन बातों को सुनकर मुझे तो पक्का कंफर्म हो गया कि ये पागल जोन की कॉपी है। और पागल जोन के टट्टी वर्जन क्या कहा तूने कि प्रगति वर्मा की वीडियो को जो है बच्चे लोग भी देखते हैं, तो उनकी वीडियो को देखकर बच्चे क्या सीखेंगे? तो फिर तो पागलों की पागल दीदी, बच्चे लोग तो तुम्हारी वीडियो को भी देखते होंगे, तो तुम भी एक बार सोच के देख लो कि तुम्हारी वीडियो को देखने के बाद बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। और दोस्तों आप सब इस पागल जोन के लाइट वर्जन को देख रहे हो, मतलब यार किस तरीके से ये लड़की जो है प्रगति वर्मा की वीडियो के थंबनेल को दिखा रही है। तो पागल जोन के टट्टी वर्जन, तू क्या दूसरों की वीडियो के थंबनेल को दिखा रही है? पहले खुद की वीडियो के थंबनेल तो देख ले। तो गाइस सबसे पहले आप सभी इस लड़की की वीडियो के थंबनेल को देखो, मतलब यार ये लड़की व्यूज की इतनी भूखी है कि अपनी वीडियो पर सिर्फ से व्यूज पाने के लिए किसी भी यूट्यूबर के बारे में कुछ भी फालतू फंड का थंबनेल लगा देती है। साले मजाक बना के रखते हो। और गाइस ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस लड़की का खुद भी यही मानना है कि ये जो है अपनी वीडियो पर सिर्फ थोड़े से व्यूज पाने के लिए क्लिकबेट थंबनेल यूज करती है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर खुद ही पढ़ लीजिए। और अभी तो रुको गाइस, यहाँ पर आप सभी को बताते चले कि ये लड़की जो है इतनी बड़ी हिपोक्रेट है। मतलब यार पहले तो ये लड़की खुद प्रगति वर्मा के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी फालतू फंड की बकवास वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करती रहती है। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि जब प्रगति वर्मा इसकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती है तो फिर ये लड़की कुछ ऐसा बोलती है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रगति वर्मा ने मुझे स्ट्राइक दे दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। शाबाश। अच्छा तो पागलों की पागल दीदी, अब ये तेरे साथ गलत हो रहा है। तो पागल दीदी, प्रगति वर्मा के ऊपर ऐसी फालतू बन की बकवास वीडियो को बनाने से पहले तेरे को ये सब सोचना चाहिए था। क्योंकि मैंने उन पर 2-4-5 वीडियो बनाई थी, इसकी वजह से उन्होंने मुझे स्ट्राइक दिया। हाँ तो पागल जोन के लाइट वर्धन, तेरे साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। और तू इतनी बड़ी गलतफहमी में कैसे कि तूने जो है प्रगति वर्मा के बारे में सिर्फ 4-5 वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है? तो पागलों के पागल सरदार ने पहले अपने चैनल को अच्छी तरीके से देख ले, तेरी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि तेरा तो चैनल प्रगति वर्मा के नाम पर चल रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाथ में है IONPO का नंबर, अगर आपको भी इनका नंबर चाहिए तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे ही कुछ यूट्यूबर हैं जो आपको इस तरह का झांसा देकर कहते हैं कि आपको नंबर देंगे लेकिन वो नहीं देते। और अरे तो दीदी तुमने भी तो ये करा, तुमने भी तो अपने हाथों पर IONPO का नंबर रखने का नाटक करके लोगों का बेवकूफ बनाया। तो दोस्तों देख रहे हो आपसे भी, मतलब यार हमें ना अपनी जिंदगी में बस यही देखना बाकी रह गया था। मतलब यार ये लड़की अपनी वीडियो के अंदर जो गलती कर रही है वही गलती जो है ये लड़की दूसरों की वीडियो के अंदर ढूंढ रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो चलो गाइस सभी के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना। और हाँ गाइस, ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।